नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशी। कहावत है, इतिहास दोहराता है, वक्त हालात समय और जगह भले ही बदल जाती है। 5.5 महीनों के बाद एक बार फिर राजस्थान की सियासत में वही देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान दिखाई दिया था। दो अलग अलग राजनीतिक दलों के युवा नेताओं की दोस्ती आज एक बार फिर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं पिछले वर्ष मार्च महीने में भाजपा के सारथी बने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको पिछले वर्ष 2020 की तारीख 27 अक्टूबर में ले चलते हैं। उस समय मध्य प्रदेश के 28 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गढ़ ग्वालियर क्षेत्र मुरैना और भीड़ में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट चुनावी जनसभा करने गए थे। उस दौरान पायलट और सिंधिया की मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए परेशानी बढ़ा गई थी। बता दें कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, ऐसे में कमलनाथ के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में उखाड़ फेंकने के लिए उपचुनाव महत्वपूर्ण हो गए थे। लेकिन MP के उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल कर ली थी, शिवराज सरकार को और मजबूर कर दिया था। यह तो रही पुरानी बात, अब आज की बात करें तो राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में सहाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा करने आ रहे सिंधिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंताएं बढ़ा दी। फिर एक बार गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि पायलट अभी कांग्रेस के ही वफादार सिपाही बने हुए हैं, लेकिन सिंधिया और पायलट की यारी पहले जैसी ही मजबूत बनी हुई है। इन दोनों युवा नेताओं की दोस्ती गहलोत को अब रास नहीं आ रही। बता दें कि राजस्थान के सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व में अब एक कमान से दो सियासी तीर चला रही है, यानी कांग्रेस को परास्त करने के लिए उन्हीं की पार्टी एक समय स्टार प्रचारक रही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार दोपहर सहाड़ा में गंगापुर में चुनावी सभा करेंगे। बता दें कि राजस्थान की इन तीनों सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के गहलोत सरकार तीनों सीटों पर कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। वहीं राज्य भाजपा इकाई उपचुनाव में तीनों सीटों को जीतकर विधानसभा में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताकत भी कम करना चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार राजस्थान का चुनावी दौरा करेंगे। इससे पहले वह नवंबर 2018 में कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा करने आए थे। राजस्थान की धरती पर सिंधिया के भाजपा में आने के बाद होने वाली पहली चुनावी जनसभा BJP कार्यकर्ताओं के साथ सचिन पायलट को भी इंतजार है। देखना होगा कि सिंधिया यहां अपने दोस्त पायलट से मुलाकात करते हैं या नहीं। आइए अब इन 3 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस को जीतने के लिए गणित भी जान लेते हैं। इन उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कर रखी है मोर्चाबंदी। बात को आगे बढ़ाने से पहले बता दें कि राजस्थान की राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें 2 सीटें कांग्रेस तो 1 सीट BJP के पास रही है। राजसमंद सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक किरण माहेश्वरी के निधन के बाद से रिक्त हुई है, जबकि सहाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी और सुजानगढ़ सीट के कांग्रेस विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को उतारा तो BJP ने पूर्व विधायक डॉक्टर रतनलाल जाट को प्रत्याशी बनाया। इन सीट को जीतने के लिए CM गहलोत ने अपनी मंत्री रघु शर्मा को जिम्मेदारी सौंप रखी है। वहीं BJP ने इस सीट को कांग्रेस से जीतने के लिए मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, भीलवाड़ा सांसद सुभाष बड़ेलिया और चित्तौड़ सांसद CP जोशी को मोर्चे पर लगा रखा है। राजसमंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने तनसुख बोहड़ा को प्रत्याशी बनाया है। BJP ने दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को उतारा है। यह BJP की परंपरागत सीट मानी जाती है, जिसे बचाए रखने के लिए पार्टी ने प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सांसद दिया कुमारी को सौंप रखी है। वहीं BJP ने यह सीट छीनने के लिए कांग्रेस के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के लिए भी यह सीट महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस सीट पर कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ने चाहती। ऐसी ही सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है। भंवरलाल मेघवाल अशोक गहलोत सरकार के सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री हैं।
वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री खेमलाल मेघवाल के प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस में सीट बरकरार रखने के लिए उच्च शिक्षा और प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को सुजानगढ़ में लगा रखा है। राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो यह माना जाएगा कांग्रेस के काम से राज्य की जनता खुश है, और अगर पार्टी को राज्य में सीटें नहीं मिलती तो विपक्ष इसे गहलोत सरकार के खराब कामों का ढिंढोरा पीट देगा। यही वजह है कि उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद संभाल रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को इन तीनों सीटों को जीतने के लिए मोर्चे पर लगा रखा है। सिंधिया के प्रचार करने के लिए आने पर राजस्थान की सियासत में हलचल मची है। भाजपा कांग्रेस के नेता मोहरे ट्वीट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के परिणाम भी आएंगे। ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए बने रहे करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।